Just look it out, bro. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do. अभी चलते हैं गड्ढे कराने और बाकी बॉल कुछ ज़्यादा गड्ढे हुए अभी उठा रहा मैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। वीडियो करते हैं आज की शुरू। तो तुम्हारा भाई आज गिफ्ट देने जा रहा है अपनी नानी को। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि मेरी नानी अभी भी कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं ना, तो मैंने सोचा एक फ़ोन गिफ्ट करते हैं उनको। बड़े पहले से सोच रहा था पर अभी पैसे जोड़े हैं थोड़े से, तो उनको आज फ़ोन गिफ्ट करेंगे। तो जो मेरे को फ़ोन चाहिए था वो मैंने बोल दिया भैया को, और वो मेरे ख्याल आज ले आए होंगे। कल बोला था तो बोलते कि आज तक मिल जाएगा तुम्हें दोपहर तक। तो आज मैं नानी घर भी निकलना है, तो सोचा आज ले ही चलता हूँ फ़ोन को भी। तो अभी चलो चलते हैं वहाँ पे, भैया से फ़ोन लेते हैं और निकलते हैं। और बस भी आज बस में जाना पड़ेगा, वैसे बस में जाता हूँ यूजली, पर आज फ़ोन लेके जाएंगे। और आज आप लोगों को यहाँ का मौसम चेक कराता हूँ। नागविंद्र में पूरी धुंध ही धुंध है, आपको दिखाता हूँ आज। ये देखो, ये यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, और वो सामने इन पहाड़ों पर ना धुंध है, बिल्कुल धुंध है। और उधर भी है, उधर तो ऐसा लग रहा है बादल पे। ये इसके पीछे जगह है, ये जो है बड़ी अच्छी जगह है, एक दिन वीडियो बनाने चलेंगे उस साइड भी। तो अभी उस वीडियो को छोड़ते हैं, निकलते हैं फ़ोन लेने के लिए। अगर नहीं लिया ना तो तुम्हें पता लेट हो जाऊंगा और बस निकल जाएगी, फिर पंगा पड़ेगा। चलो अभी चलते हैं। और एक तो हेलमेट जो है ना, ये अजीब सा ही है। एनीवेज अभी पापा का एक बैंक में काम है तो वो भी कराना है, और फिर निकलते हैं वहाँ पर अपनी गन्नों को लेके फ़ोन लेने। अभी काम हो गया बैंक का और अब चलते हैं फोन लेने। तो लेट्स गो। चलते हैं, एक तो बाल एक तो ऐसे जाते हैं ना हेलमेट पहन के। तो जो फोन मेरे को चाहिए वो इन लोगों के पास मिलता नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो इनके पास भर भर के होते हैं। अब देखता हूँ वहाँ पे क्या सिस्टम करना है। सोच रहा हूँ पहले नानी घर निकल जाता हूँ, उसके बाद वहीं से ऑनलाइन ही ले लूँगा, देखते बाकी। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ बस पकड़ के अपने नानी घर। तो अभी तो मैं पहुँच गया जसूर। तो अभी मैंने सोच लिया है कि क्या बोलते वहाँ पे नानी घर जाऊँगा, फिर ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगा। ऐसे तो मिल बैठा फ़ोन। यहाँ पे एक दुकान थी फास्ट फूड की, मैं कुछ सोच रहा खा लूँ पर वो आज बंद है। अब देखते हैं आगे। अभी ये जो पीछे दुकान है अभी यहाँ पता किया तो यहाँ पर है वो लेने के भैया, सोच रहा हूँ यहीं से ले चलता हूँ। यार ये वेट करते करते कहीं मेरी बस ना निकल जाए ना, मेरे को वो डर है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी क्या पता निकल ही ना कि और क्या। तो अभी ये फोन ले लिया और बस छूट गई है। तो बस तो छूट गई, सोच रहा हूँ कवर को और लगाया, ये बताना अच्छा लग रहा है कि नहीं। 2 घंटे वेट करा के भाई ये लोग आ रहे हैं। The next day. तो बाकी मैं फ़ोन के बारे में बताता हूँ। फ़ोन जो मैंने रात को गिफ्ट रैप करा लिया था, बिकॉज ऑफ नानी गिफ्ट ही देने तरह से मैंने गिफ्ट रैप करा लिया था उसे। और क्या बोलते हैं अब उसको लेकर चलते हैं रात। और रात को मेरी बैटरी ख़त्म होगी फ़ोन की, मैंने एयरपोर्ट से गिफ्ट रैप कराया। उसके बाद अभी सवेरे उठे हैं, नहाए धोए हैं और आपको अब शाम को देते हैं नानी को फ़ोन। अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैं फ़ोन भी ले गया हूँ। तो अभी तो मैं अपने मामू की दुकान में बैठा हूँ, और मेरे मामू की ऐसी ज्वेलरी की शॉप है आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग विज़िट कर सकते हो। कोई भी अगर जसूर के पास रहता है या फिर पठानकोट के पास, कोई भी ज्वेलरी एक्सेसरीज या कुछ भी लेना यहाँ मिल जाता है। बाकी इनका पेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको चेकआउट कर लेना। तो मैं और कुकू जा रहे हैं तनिषेखर फ़ोन लेने, उसके रात को उसके पास ही रखाया था, रखते हैं उसे। गए अभी फ़ोन और एक गिफ्ट के अंदर पूरा रैप है, और एक तो यहाँ पर घर का काम ही बड़ा लगा है, पूरी नाली गंदी है, पूरा टूट जाएगा, फिर पूरा ढंग से बनाएंगे।
कुकू याद है तो अभी मैं नानी के कमरे में हूँ। नानी को बुलाया मैंने कि आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तो देखते हैं आ रहे हो। और हाँ, नानी मेरा शायद पहले रिश्तेदार होंगे जो क्या बोलते हैं मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं। ना मैंने आज तक मम्मा को दिखाया, ना पापा को, और ना ही अपनी बहनों को कभी। लाल भाई सेलिब्रिटी है नानी मेरे। तो गाइस ये मेरी नानी। और नानी अगर आप बताओ कि आपने क्या, मतलब आप क्या क्या लगता है क्या होगा गिफ्ट है? गिफ्ट है जो आपको वो क्या होगा? मैं तो फिर भी बताओ तो सही। कुछ नहीं तो सोचो तो सही। फोन तो नहीं दे रहा तू ये आपको पहले क्या पता था? खोल ले तो सही। अच्छा। पार तो सीधा कितनी गलियां मड़िया है कल तू कह सुंदर है। खोल लो सी इसको। मैं खोलना तो मैं हूं ना ये तो ले दे दा। पहले पूरा तो खोल ले इसको। तो पहले मैं इनको पहले पूरा फ़ोन समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ यूट्यूब वगैरह, बाद में बताता हूँ आप लोगों को। तो भी मैंने इनको फ़ोन चलाना सिखा दिया और ऊपर मुझे काम लगा है, मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही हो। The next day. उस बंदे ने पूरा कमरा तोड़ दिया है। नया रास्ता लोग पार्क कितना। तो ये मामू की भाई के और ये मैसेज स्टार्ट नहीं होते कभी बार। तो अभी तो मैं दूसरे वाले मामू का जो घर है ना उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ भी जा जाते हैं थोड़े चक्कर मार रहे थे। और आज प्लान बन रहा है स्विमिंग पूल जाने का, तो देखते हैं आज रात का क्या प्लान बनता है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने दूसरे वाले मामू वाले घर। और इन्होंने इस टाइम पर पता नहीं इसका नाम याद नहीं आ रहा, ये लगाया रून बोलते हैं, पता नहीं मेरे को याद नहीं है बाकी। तो लेट्स गो, तुम्हारा भाई जा रहा है अब यहाँ पर भी स्विमिंग पूल। एक्चुअली यहाँ पर ही होता है, जो मेरे मामू के घर है वो पंजाब साइड में पड़ते हैं, और यहाँ पे स्विमिंग पूल तो तुम्हें पता ही है कितने ज़्यादा होते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सारे स्विमिंग पूल, अभी स्विमिंग पूल चलते हैं, जन्नत रश कोई है उधर जाएंगे। तो चलो। और ये नंबर बताना, ये नंबर कहाँ का है? तो अभी हम पहुंच गए हैं जन्नत। निकल रहा तू? ये रास्ता ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा ही पूल के लिए। तो ये अभी वो बर्फ कांडे लगी रखी है। और यहाँ देख लो आपकी शादी में खाना भी ऐसे ही बनता है। भाई देखो एक रिजोर्ट है, रिजोर्ट ही बोलते हैं जन्नत। हाँ एक रिजोर्ट है, मैरिज मतलब पैलेस टाइप है। तो यहाँ पे मतलब शादियाँ भी होती हैं और स्विमिंग पूल भी। अभी आपको दिखाता हूँ स्विमिंग पूल, इन दोनों को देखना। शिवू और अलग है, इनका नहीं है जन्नत वालों का, जिसका भी है। हमने तो उधर जाना है स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल एक तो इतना सुंदर है ना, आप लोगों की आपको भी। और कुकू भाई को देखना, जस्ट लुक इट आउट ब्रो। Storm.
चेक कर वो क्या रखा है, दिख रहा है आप लोगों को? चैंपियंस ब्रो, फ्रेंची। और ये इनका वॉशरूम, और करते हैं यहाँ पे अपने कपड़े चेंज और नहाते। भाई बॉडी शॉडी दिखा दो। जल्दी मार जल्दी। तो एक स्विमिंग पूल जा गया है और चलते हैं बाहर। पीछे तो गाने लगे हैं, ऐसे कॉपीराइट आ जाएगा, तो यहाँ पे आके ब्लॉग बना रहा हूँ। और इस टाइम पे ऐसे हो इतना यहाँ दिख नहीं रहा होगा, पर रात हो गई है। और मेरे को ये रास्ता ना सबसे अच्छा लगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हैं, लाइन लाइन में लगे हैं। अब चलते हैं घर और फिर देखते हैं कहाँ जाना है, या सो जाएंगे। आपको घर जाके मिलता हूँ। दो दो डस्टर हमारी वाले तो ये। चलो अभी चलते हैं घर। कल रात को थोड़ी ज़्यादा रात हो गई थी और हम लोग रात को सो गए थे, और अभी करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगे तो जाके तू बोल ले भाई, पहले व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना जल्दी करना। ये रही है, तू बोल ले भाई। तो अब करता हूँ व्लॉग को एंड, और इन ये जो अंकल थे वो भी चले गए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जाके कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय टाटा। और एडिटिंग में बड़ा दिमाग खराब होता है, तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाय।